हम में से ज़्यादातर लेडीज़ अपनी प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड होती हैं और वो अपने पीरियड्स की डेट आने से पहले ही कंफर्म करना चाहती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं या इनको इस बार भी पीरियड्स हो जाएंगे। नॉर्मली हम प्रेगनेंसी टेस्ट अपने पीरियड्स की डेट ऊपर हो जाने के बाद ही करते हैं और जब तक 4 वीक्स तो गुजर ही चुके होते हैं। तो ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स 4 वीक से पहले से पता लगाएं कि हम प्रेग्नेंट हैं या हमें पीरियड्स हो जाएंगे? अगर आप सर्च करेंगे गूगल और यूट्यूब वगैरह पर, बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी के जो साइन और सिम्टम्स बताए गए हैं, इनमें से तकरीबन सभी साइन ज़्यादातर हमें 4 वीक्स के बाद ही देखने को मिलते हैं। जैसे बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में नौजी और वॉमिटिंग नहीं होती, यानी 4 वीक से पहले ही आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट सोरनेस भी बताया गया है, ये भी 4 वीक से पहले इतना विजिबली फील नहीं होता। हाँ, फटीग आपको फील होगा, मींस आप फील करेंगी कि आप बहुत जल्दी काम से थक जाती हैं। इसके अलावा आपको फील होगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी यूरिनेशन के लिए वॉशरूम जा रही हैं। दिन हो या रात हो, आप इसे विजिबली नोट करेंगी। थकन की वजह से आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा, जिसकी वजह से नींद बढ़ जाएगी, मींस आप अपनी नॉर्मल नींद से ज़्यादा सोने के बाद भी थकन फील करेंगी और महसूस करेंगी कि आपको और नींद की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो 4 वीक से पहले बहुत ही माइनर से फील हो सकते हैं, और बहुत सी लेडीज़ ऐसी भी हैं जो 4 वीक्स तक बिल्कुल स्मूथली अपने दिन गुजार देती हैं, इन्हें अपनी प्रेगनेंसी का पहला मंथ पता भी नहीं चल पाता। अब मैं बात करती हूँ कि मेरी अपनी प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि मैं 4 वीक से पहले ही 99% श्योर हो जाती हूँ कि मैं प्रेगनेंट हूँ, और वो जो 1% रह जाता है डाउट, पीरियड्स डेट के एक दिन ऊपर होने से वो डाउट भी ख़त्म हो जाता है। तो जानना चाहेंगी कि मुझे कैसे पता चल जाता है? बहुत ही सिंपल है, मुझे पीरियड्स आने से तकरीबन 2 हफ्ते पहले पीरियड्स वाली क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है और पेन ऐसा होता है कि लगता है कि बस अभी पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली मुझे पीरियड्स आने से पहले कोई इतना ख़ास दर्द नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी में मुझे क्रैम्पिंग के साथ हल्का सा प्रेशर फील होता है, और ज़्यादा देर खड़े रहने से या हैवी वर्क से प्रेशर ज़्यादा फील होता है। जहाँ तक नींद और नौजिया वॉमिटिंग की बात है, वो नॉर्मली 4 वीक के बाद ही स्टार्ट होता है। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी 4 वीक से पहले जानना चाहती हैं, तो आपको अपने बॉडी चेंजेस में थोड़ा सा डीपली कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और थोड़ी सी तवज्जो से आप भी अपनी प्रेगनेंसी 4 वीक से पहले जान सकती हैं। इस बेसब्री को आप एक्साइटमेंट का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि जाहिर है ये एक्साइटमेंट कोई मामूली एक्साइटमेंट नहीं, चाहे आपका फर्स्ट बेबी हो या फोर्थ या फिफ्थ हो, क्योंकि मैं अपने 4th बेबी की कंसीव की कंफर्मेशन के लिए इतनी ही एक्साइटेड थी जितनी अपने 1st बेबी की दफ़ा में थी। और सेकंड बात ये कि काफ़ी लेडीज़ को शादी के स्टार्ट से ही मिसकैरेज का इशू हो जाता है, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि इन्हें अपनी प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग वीक्स में ही पता चल जाए, ताकि वो मिसकैरेज से बचने की एहतियात वगैरह करें। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे तो पता चल सके कि किस टॉपिक को आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और कोई भी टॉपिक अगर आपके जहन में है तो मुझे कमेंट में बिला झिझक बताएं, मैं आपके एक एक सिंगल कमेंट की कदर करती हूं और बिल्कुल आंसर दूंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ्री में पहुंच जाएगी, बिलीव मी, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक अ लॉट ऑफ केयर इतनी गर्मी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।